स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि एसएसटी हमारे अतीत का थर्ड लेसन स्टार्ट हो चुका था, जिसका नाम था ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। उसके टू पेजेस मैंने आपको ऑलरेडी रीड करा दिए हैं, आज हम आगे का रीड करेंगे। लास्ट में हमने स्थाई बंदोबस्त के बारे में पढ़ा था, उसके बाद आज हम एक नई व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। 19वीं सदी के शुरू में कंपनी के अफसरों को महसूस होने लगा था कि राजस्व बंदोबस्त में फिर कुछ बदलाव करने होंगे। कंपनी को जब शासन और व्यापार करने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व वसूल करके काम कैसे चला सकती है। मतलब जब स्थायी बंदोबस्त था उसमें क्या था कि जो जमींदारों को राजस्व टैक्स जमा करना होता था वो एक फिक्स था, फिक्स कर दिया था उसने कंपनी ने कि आप इतना ही फिक्स राजस्व हमें अदा करेंगे। लेकिन कंपनी को अब अधिक पैसों की आवश्यकता थी। अब उसको ये लग रहा था कि अगर हमने ये राजस्व और नहीं बढ़ाया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमारी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। हमारे उनको और अधिक धन की आवश्यकता थी और अधिक अपना व्यापार फैलाना था, तो अब वो ऐसा रास्ता खोजने लगे जिससे इस राजस्व को बढ़ाया जा सके। हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने बंगाल प्रेसिडेंट सी के उत्तर पश्चिम प्रांतों, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, प्रांतों के लिए एक नई व्यवस्था तैयार की। किसने? हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक नई व्यवस्था तैयार की 1822 में, जो कि 1822 में लागू की गई। मैकेंजी को यकीन था कि गांव उत्तर भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। उसे पता था गांव जो है वो उत्तर भारतीय समाज की जो है एक महत्वपूर्ण संस्था है और उसका बचाए रखना ज़रूरी है। फिर जब गांव होंगे वहीं खेती बाड़ी होगी और अच्छी फसल होगी तभी वहीं से लगान मिलेगा और राजस्व इकट्ठा होगा। तो हॉल्ट मैकेंजी को इस बात बारे में पता था कि अगर गांव बचाए रखे तो हमारा राजस्व भी अच्छे में एकत्रित होता रहेगा। उसके हुक्म पर कलेक्टरों ने कई गांवों का दौरा किया, उसने आदेश दिया तो उनके डीसी ने कई गांवों का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समुदायों के रीति रिवाजों को नोट किया। क्या क्या? जमीन की जांच की और बहुत से रीति रिवाजों के बारे में भी उन्होंने वहाँ से नॉलेज प्राप्त की, भाई कैसे प्रकार के रीति रिवाज उन गाँवों में अपनाए गए हैं। गाँव के प्रत्येक खेत के राजस्व को जोड़कर हर गाँव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया। गाँवों में उन्होंने जैसे हर गांव को, कई छोटे छोटे गांवों को जोड़कर एक बड़ा गांव का समूह बना दिया, जिसे क्या कहा गया, गांवों के समूह को महाल कहा गया। आप देखेंगे मैंने कुछ लाइन अंडरलाइन कर रखी है, तो आप भी अपने को नोट अपनी बुक में इन्हें अंडरलाइन कीजिएगा। राजस्व वसूल होने वाले राजस्व पर, और फिर उन्होंने जब छोटे छोटे गाँवों को जोड़कर एक बड़ा समूह बनाया जिसे महाल कहा जाने लगा, उस महाल से कितना राजस्व इकट्ठा हो सकता है इस बात का उन्होंने हिसाब लगाया। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, लेकिन उसमें समय समय पर संशोधन करने की गुंजाइश रखी गई। जैसे स्थायी बंदोबस्त में तो तय कर दिया गया था ना, इसमें राजस्व को तय नहीं किया गया, इसमें यह देखा गया कि जैसे जैसे जरूरत होगी उस तरह से इसमें संशोधन, इसमें बदलाव किया जाएगा। राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार को ना सौंपकर गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। मैंने आपको पहले बताया था कि राजाओं को और उन बड़े बड़े जो नवाबों को, तो उनको जमींदार और तालुकदारों की उपाधि दी गई थी, तो पहले वो जो थे वो राजस्व को इकट्ठा करके कंपनी के पास जमा कराते थे। अब जो दूसरी व्यवस्था आई, महालवारी व्यवस्था आएगी, ये महाल यानी छोटे छोटे गाँवों को मिलाकर जो एक बड़ा समूह बनता है उसे कहते हैं। तो इस वाली व्यवस्था में ये जो जिम्मा था वो जमींदार को ना सौंपकर गांव के मुखिया को सौंप दिया गया, गांव का मुखिया बनाया गया। वो गांव का मुखिया जो था पूरे गांव का राजस्व इकट्ठा करके कंपनी को जमा करता था। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त कहा जाता था। स्थाई बंदोबस्त में तो ये था कि जमींदारों का काम होता था गाँव का एक स्थाई राजस्व कंपनी को जमा करना, लेकिन इस महालवारी व्यवस्था में क्या हो गया, कई गाँवों को मिलाकर एक समूह बना दिया गया जिसे महाल कहा जाता है, और उस गांवों के समूह का मुखिया जो होता था वह उस राजस्व को कंपनी को जमा करता था। मुन्नरो व्यवस्था, दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जाने लगी। अब वहाँ भी उन्होंने सोचा जब यहाँ बदलाव हो रहा है तो वहाँ भी बदलाव किया ना जाए। वहाँ जो नई व्यवस्था लागू की गई उसे रैयतवारी कहा गया। उसे क्या कहा गया? रैयतवारी। टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने कंपनियों के द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था की आजमाइश करके भी देख ली। उसने इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को
जो टीपू सुल्तान के हारने के बाद उनके कब्जे में आए थे उन इलाकों में इस व्यवस्था को लागू किया। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को और विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत को यह व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो का यह मानना था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। रीड और मुनरो ये मानते थे कि दक्षिण में जो थे वो परंपरागत यानी सब बहुत समय से चले आए हुए जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका कहना था कि उन्हें सीधे किसान से ही बंदोबस्त करना चाहिए। रैयतवाड़ी में क्या था, देखो रैयत होता है किसान, महलवाड़ी में गांवों का समूह हो गया, और स्थाई बंदोबस्त में जमींदार देते थे, महलवाड़ी में मुखिया देता था, और रैयतवाड़ी में किसान, जहाँ जिसमें किसान से राजस्व इकट्ठा किया था। रीड और मुन्ना का मानना था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका कहना था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए। किसान यानी रैयत, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती का काम करते आ रहे हैं, राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण करना आवश्यक है। मुन्नो का कहना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों को रक्षा प्रदान करनी चाहिए। मुन्नो ये कहता था कि जिस प्रकार से पिता अपने बच्चों की रक्षा करता है, उसी प्रकार से अंग्रेजों को किसानों की रक्षा करनी चाहिए। जैसे पिता बच्चों की रक्षा करता है और बच्चे बड़े होने पर पिता को कमाकर उनका जीवन यापन में मदद करते हैं, तो वो कह रहे अगर पिता की तरह अंग्रेज किसानों की मदद करेंगे तो किसान भी उनको अच्छा राजस्व प्रदान करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या कि पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण करना चाहिए और फिर उस पर टैक्स लगाना चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू करने के कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं नजर आने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने अत्यधिक राजस्व तय कर दिया था। जो राजस्व इकट्ठा करते थे उन्होंने आमदनी बढ़ाने के चक्कर में ज़्यादा टैक्स लगाने शुरू कर दिए, जिसके कारण किसान अब राजस्व नहीं चुका पा रहे थे। रैयत गांवों से पलायन कर रहे थे। जो किसान थे वो गांव छोड़ के दूसरी जगह जा रहे थे। भाई अब जब यहाँ पर रह के इतनी अर्निंग ही नहीं हो पा रही थी तो वह गांव छोड़ के दूसरी जगह जा रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। अफसरों को आशा था कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, और अफसरों को ऐसा लगता था कि ये जो नई व्यवस्था है वो किसानों को और अधिक उद्यमशील बना देगी, किंतु ऐसा नहीं हो सका। ठीक है, यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों को लगने लगा था कि ग्रामीण इलाकों से न केवल राजस्व प्राप्त किया जा सकता है बल्कि वहाँ यूरोप की आवश्यकता अनुसार सही फसलें भी उगाई जा सकती है। अब अंग्रेजों का दिमाग दूसरी तरफ भी डोलने लगा था। उन्होंने सोचा कि अर्निंग करने के साथ साथ, भाई यहाँ से हम टैक्स ले रहे हैं इनसे, उससे अपनी अर्निंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ क्यों ना हम अपनी ऐसी फसलों की भी पैदावार यहाँ के किसानों से करवाएं जिनकी यूरोप में डिमांड ज़्यादा हो, तो हमें डबल मुनाफा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, ग्रामीण इलाकों से न केवल राजस्व प्राप्त किया बल्कि यूरोप की आवश्यकता अनुसार सही फसलें भी उगाई जा सकती है। 18वीं सदी के अंत तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर जोर लगा दिया था, जिसकी ज़्यादा डिमांड यूरोप में के बाजारों में थी। वह फसल ये उगवाने शुरू कर दिया था। इसके करीब 150 वर्षों तक अंग्रेज ने अलग अलग भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। 150 वर्षों तक अंग्रेज जो थे वो किसानों को अपने हिसाब से फसल उगाने के लिए मजबूर करते रहे, जैसी फसल अंग्रेजों को चाहिए होती थी। बंगाल में पटसन के लिए मजबूर किया, संयुक्त प्रांत में गन्ना, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल, असम में चाय, पंजाब में गेहूँ, यहाँ पर उन्होंने अपनी पसंद की फसलों को ज़्यादा तवज्जो दी। यह कैसे संभव हुआ, अंग्रेजों ने अपनी आवश्यकता अनुसार फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई उपाय दिए। नीचे दिए गए उदाहरण से आप इसको समझेंगे। क्या रंग का भी कोई इतिहास है, चित्र 5 और 6 में आप सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें देख सकते हैं। यह चित्र 5 और 6, ये 2 छापे आपको दिख रहे हैं और दोनों ही ब्लू कलर के हैं। चित्र 5 में आप भारत के आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे को देख सकते हैं। चित्र 5 में, ये जो चित्र 5 का है ये कौन सा है, आंध्र प्रदेश में बनाया गया कलमकारी। ठीक है, चित्र 6 में ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाया गया फूल के छापों वाला चित्र, और ये ब्रिटेन में मॉरिस के द्वारा विलियम मॉरिस और कवि और कलाकार विलियम मॉरिस के द्वारा बनाए गए फूल के चित्र हैं। दोनों छापों में एक समानता है, दोनों छापों में गहरे नीले रंग का प्रयोग किया गया है जिसे आमतौर पर नील कहा जाता है। आइए आपको बताते हैं कि यह रंग कैसे पैदा किया गया। इन छापों में आप जो नीला रंग देख रहे हैं वह नील नामक पौधे से निकाला जाता है। हो सकता है कि 19वीं सदी में ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में प्रयुक्त नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया हो।
उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा उत्पादक था। भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील की खेती मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय इलाकों में होती है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़ों की रंगाई के लिए भारतीय नील का प्रयोग करते थे। ठीक है, उस समय भारतीय नील का बहुत कम मात्रा यूरोपीय बाजारों में पहुंच जाती थी। इसका भाव भी बहुत अधिक था, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक पौधे का इस्तेमाल करना पड़ता था। अगर भारतीय नील नहीं पहुँच पाता था तो वहाँ पर एक वोड नाम का पौधा था, उससे भी नीला रंग प्राप्त होता था। वोड पौधा शीतोष्ण ठंडे क्षेत्र में उगाया जाता था। नील उष्ण कटिबंधियों में और वोद जो है वो ठंडे क्षेत्रों में उगाया जाता है, इसलिए वह यूरोप में आसानी से उपलब्ध होता था। उत्तरी इटली, दक्षिण फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में ये पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान होकर यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वे नील के आयात को रोक दें। अब वोड नामक जो पौधा था उससे जो नीला कलर प्राप्त होता वो यूरोप में ही पैदा होता था, लेकिन जो नील दूसरा था वो भारत के नील के पौधे से प्राप्त होता था नीला कलर, जिसकी डिमांड यूरोपीय बाजारों में अधिक थी। इसकी वजह से वोड की जो है बिक्री नहीं हो पाती थी। तो जो वोड का उत्पादन करने वाले व्यापारी थे वहाँ के, उन्होंने वहाँ की सरकार से कहा कि नील के आयात पर रोक लगा दें, यानी नील को भारत से मंगाना बंद कर दें। किंतु कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे, नील से बहुत चमकदार नीला रंग प्राप्त होता था, और जो कपड़े को रंगने वाले थे उनको भारतीय नील का रंग जो था बहुत अधिक पसंद था। जबकि वोड से मिलने वाला रंग फीका और बेजान होता था, और वोड से मिलने वाला रंग जो होता था वो फीका और बेजान होता था, नील के मुकाबले भारतीय नील के मुकाबले हल्का होता था। 17वीं सदी तक यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने अपनी सरकार को नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए तैयार कर लिया। 17वीं सदी तक जो यूरोपीय कपड़ा उत्पादक थे उन्होंने जो नील के आयात पर पाबंदियाँ लगी थी जो कि वोड के व्यापारियों ने लगवाई थी उसमें ढील देनी शुरू कर दी थी। सेंट डोमिंग्यू जो कि कैरिबाई द्वीप समूह में स्थित है, वहाँ फ्रांसीसी ब्राजील से पुर्तगाली, जैमका से ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। वहाँ पर भी नील की खेती शुरू हो गई थी। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत से क्षेत्रों में नील के बागान नजर आने लगे थे। 18वीं सदी का अंत आते आते तक भारतीय नील की मांग बढ़ती चली गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग आरंभ हो गया और उसके कपास उत्पादन में भी पर्याप्त बढ़ोतरी हो गई। ब्रिटेन में भी औद्योगिकरण शुरू हो गया था और कपास उत्पादन में वहाँ पर बढ़ोतरी शुरू हो गई, जिससे कपड़ों की रंगाई की मांग में और तेजी आ गई। नील की मांग बढ़ने से वेस्ट इंडीज और अमेरिका में मिलने वाली आपूर्ति कई कारणों से बंद हो गई। नील की मांग बढ़ रही थी जो वहाँ से वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली जो आपूर्ति थी वो बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन लगभग घटकर आधा रह गया था। 1783 से 1789 के बीच जो नील का उत्पादन था वो कम हो चुका था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की कमी को पूरा करने के लिए किसी और स्रोत की तलाश में थे। समस्या यह थी कि नील कहाँ से प्राप्त हो सकता है। अब आता है भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। भारत में ब्रिटेन की दिलचस्पी इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि भारत में नील का उत्पादन हो सकता था। यूरोप में नील की बढ़ती मांग के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत के नील की खेती में इजाफा करने के रास्ते तलाशने लगी। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दिखा कि यूरोप में नील की मांग अधिक हो रही है तो उसने सोचा क्यों ना भारत में नील की पैदावार को बढ़ाकर हम इस मांग को पूरा करके अधिक मुनाफा कमाएं। तो वह यहाँ पे इस खेती को बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। 18वीं सदी के अंत तक बंगाल में नील की खेती तेजी से पनपने लगी। दुनिया के बाजारों में बंगाल में पैदा होने वाला नील की काफ़ी मांग थी। ब्रिटेन द्वारा 1788 में आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 30% था। ब्रिटेन जो 1788 में नील का आयात करता था यानी जगह जगह से नील मंगाता था उसमें जो भारतीय नील था वो सिर्फ 30% था, जबकि 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। अभी आपको यहाँ ऊपर बताया था ना 1783 से लेकर 1789 तक दुनिया में नील का उत्पादन घट गया था और मांग पूरी थी कपड़े रंगने वाले, तो भारत से नील की जो कमी थी उसको पूरा किया था भारत में उगवा कर। तो पहले केवल 30% ही नील भारत से जाता था, लेकिन जब और जगह पर नील कम हो गया तो 1810 में ब्रिटेन द्वारा जो नील भारत से ले जाया जा रहा था वो 95% हो गया, यानी सारे नील की आपूर्ति भारत से ही होने लग गई थी। नील के व्यापार के फैलने के साथ कंपनी के अफसर, व्यवसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा निवेश करने लगे। अब जब देखा उन्होंने कि नील के व्यापार में बहुत मुनाफा है तो वो इसमें पैसा लगाने लगे।
समस्या के साथ साथ कंपनी के बहुत से अफसरों ने नील की कारोबार की देख रेख के लिए नौकरियां छोड़ दी। अब अफसरों ने क्या किया, नील के कारोबार को बढ़ाने के लिए सरकारी नौकरियां तक छोड़ दी। भारी लाभ उम्मीद, भारी लाभ उम्मीद लगाकर स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत से लोग भारत आ गए। मतलब नील के उत्पादन से उम्मीद लगाकर बहुत से जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के लोग थे वो भारत आ गए और यहाँ उन्होंने नील के बगान लगा लिए। जिनके पास नील की खेती के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और बैंकों से कर्जा उपलब्ध होने लगा। जिन भी लोगों के पास बागान वगैरह खरीदने के लिए, नील की खेती करने के लिए पैसा नहीं होता, तो कंपनी और बैंक उनसे उन्हें कर्जा देते थे। अब नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती दो प्रमुख तरीकों से होती थी, निज और रैयती। निज होता है खुद के द्वारा, रैयती होती है किसानों के द्वारा। निज खेती की व्यवस्था को बगान मालिक स्वयं अपनी ज़मीन में नील उगाते थे, ठीक है। निज खेती में क्या, तो बगान मालिक खुद अपनी ज़मीन, और रैयती में वे स्वयं ज़मीन खरीद लेते थे और दूसरे ज़मींदारों को ज़मीन किराए पर, क्या करते थे वह, रैयती में स्वयं ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन किराए पर ले लेते थे और मजदूरों को नौकरी देकर उनसे नील की खेती करवाते थे। एक तो हो गया अपने बागानों में खुद से नील खेती करना, वो निज खेती, और एक रैयती होती है अपनी ज़मीन खरीद के या उधार में लेके, कमीन उस पर क्या कहते हैं, किराए पर लेकर उससे दूसरे मजदूरों को, किसानों को मजदूरी पर रखकर खेती करना। दो तरीके से नील की खेती होती थी, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आएगा निज खेती की समस्या है। ये जो है आगे का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक आपने अपनी बुक ओपन करके इस वीडियो के साथ साथ जितने पेजेस मैंने आज आपको रीड कराए हैं उन्हें पढ़ना है और समझना है। ओके, गुड डे।